त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है। खरीदारी के लिए बाजार में भीड़ उमड़ने लगी है। सामान्य दिनों में बाजार में अव्यवस्था के कारण ट्रैफिक जाम तो लगता ही था, लेकिन अब बाजारों में सामान्य दिनों की अपेक्षा 2 से 2.5 गुना भीड़ उमड़ रही है और यही हादसों की वजह भी बन रही है। दरअसल यमुनानगर के सबसे व्यस्त इलाके ITI के पास देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरे युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार बेकाबू ट्रक ने दो बाइक सवार युवकों को कुचल दिया और ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, लेकिन आसपास मौजूद लोगों की भीड़ ने तुरंत वाहन की चाबी उतार ली, लेकिन युवक अपना वाहन वहीं छोड़कर फरार हो गया। इसके बारे में क्या कहना चाहिए, सरकार ने इधर डायवर्टर रास्ता किया हुआ है? ऐसा है जी, कैंप रोड जो बन रही है रोड, उसके करके सारे यहाँ से हैवी व्हीकल से रोड जो हो रहे हैं, जो यहीं से आवागमन हो रहा है जी। एक ही रोड है ससोली रोड, वहाँ पर भी लगातार वहाँ पे रश की स्थिति बनी रहती है हर टाइम जी। हर टाइम वहाँ पर जो आपको जाम की स्थिति मिलेगी, उसी दौरान हैवी व्हीकल है सारे जो यहाँ से निकल रहे हैं, देखते नहीं है कोई आस पास है या नहीं है, अपना ही मस्ती में चलते हैं, अपना देख के इन्हें चलना चाहिए कि कोई भी पीछे है या कुछ है तो उनका देख के होना चाहिए। तो ये हादसा आपके सामने हुआ है? हम भी अपनी दुकान पर, जैसे ही हमें आवाज़ आई हम यहाँ पर आ गए, इकट्ठा हुए हैं, देखा तो ये बंदा उस टाइम। तो बताया जा रहा है कि पहले यहाँ ड्राइवर खड़ा था, उसकी गाड़ी की हमने चाबी भी निकाल ली थी। ड्राइवर की चाबी अभी मेरे पास है, पर वो इस टाइम अपने मौके से फरार है। तो आसपास गलती इस टाइम कुछ पता नहीं लग पाया, बता रहे हैं कि ये कोई रास्ता पता कर रहे थे, रास्ता पता करने के दौरान ये नीचे आ गए। ये अकेले थे कि दो जने थे? दो जने थे, एक जना यही है, एक जने को सिविल भेज दिया। वहीं राहगीरों ने तुरंत हादसे की सूचना पुलिस को दी, ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। जांच अधिकारी ने बताया कि अभी जांच की जाएगी, फिलहाल ट्रक से एक मोबाइल बरामद हुआ है, उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जो ट्रक चालक है इनका एक मोबाइल नंबर मोबाइल मिला है और ट्रक ड्राइवर भाग गया, ड्राइवर फरार है, फरार हो गया, चाबी उनकी है, चाबी गाड़ी में थी और चाबी छोड़ के चले गए। दरअसल आजकल मार्केट में त्योहारी सीजन के दौरान अधिक भीड़ है, जिसके चलते ऐसे सड़क हादसे कहीं न कहीं प्रशासन के ट्रैफिक को लेकर पुख्ता इंतजामों पर पानी फिरने का काम कर रहे हैं। यमुनानगर से परवेज खान, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।